समय और परिस्थिति के अनुसार हर व्यक्ति को जीवन में कभी ना कभी कर्ज लेने से किसी की आर्थिक मदद की जरूरत जरूर पड़ती है, लेकिन कर्ज लेते समय ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि कर्ज लेना जितना आसान है उसे चुकाना उतना ही मुश्किल हो जाता है। कई बार तो कर्ज चुकाते चुकाते सारी जिंदगी खत्म हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों के लिए कई बार आपका दुर्भाग्य भी जिम्मेदार होता है। ऐसे में इस कर्ज के जाल से बचने के लिए ज्योतिष और शास्त्रों का सहारा लिया जा सकता है। दरअसल शास्त्रों में कर्ज से मुक्ति के लिए कई सारे उपाय बताए गए हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे आसान और प्रभावी उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके प्रयोग से कर्ज चुकाने की राह बेहद सरल हो जाती है और जल्द ही कर्ज से छुटकारा मिलता है। पहला उपाय, प्रत्येक मंगलवार और शनिवार के दिन भगवान हनुमान की विधिवत पूजा आराधना करें। इसके लिए हनुमान जी के चरणों में तेल सिंदूर चढ़ाएं और माथे पर सिंदूर का तिलक लगाएं। साथ ही हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें। दूसरा उपाय, हर बुधवार को 1.25 पाव के बराबर मूंग लें, उसे उबाल लें और उसमें घी शक्कर मिलाकर गाय को खिलाएं। इस उपाय को जल्दी ही करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। तीसरा उपाय, हर रोज लाल मसूर की दाल का दान करें, इससे व्यक्ति का मंगल मजबूत होता है और आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनती है। इससे कर्ज जैसे संकट से मुक्ति मिलती है। चौथा उपाय, हस्त नक्षत्र रविवार की संक्रांति के वृद्धि योग में अगर कर्ज उतारा जाए तो शीघ्र ही ऋण जाल से मुक्ति मिलती है। पांचवा उपाय, अगर कर्ज लेने के लिए घर से निकल रहे हैं तो उस वक्त जो स्वर चल रहा हो उसके अनुसार वहीं पांव बाहर निकालें तो कार्य सिद्धि होती है और इसके लिए गए कर्ज का भार आप पर जल्दी दिन तक नहीं रहता। वहीं कर्ज देते समय सूर्य स्वर को शुभकारी माना जाता है। छठा उपाय, भगवान गणेश की हरे रंग की मूर्ति मुख्य द्वार पर आगे और पीछे दोनों तरफ लगाएं। सातवां उपाय, वहीं वास्तु के अनुसार कर्ज से शीघ्र मुक्ति पाने के लिए घर के ईशान कोण को हमेशा साफ स्वच्छ रखना चाहिए। आठवां उपाय, कर्ज लेन देन में अगर समय का ध्यान रखा जाए तो बेहतर होगा। शास्त्रों के अनुसार किसी महीने की कृष्ण पक्ष की पहली तिथि, शुक्ल पक्ष की दूसरी, तीसरी, चौथी, छठी, सातवीं, आठवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं और तेरहवीं पूर्णिमा के साथ मंगलवार के दिन उधार देना चाहिए और बुधवार को कर्ज ले सकते हैं। नौवां उपाय, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए ऋणहर्ता गणेश स्रोत का शुक्ल पक्ष के बुधवार से नित्य पाठ करें। दसवां उपाय, ज्योतिष की माने तो चार लग्न जैसे मेष, कर्क, तुला और मकर में कर्ज लेने पर शीघ्र ही उतर जाता है, लेकिन इन चर लग्न में कभी किसी को कर्ज नहीं देना चाहिए। वहीं ये भी ध्यान रखें कि चर लग्न में पांचवे या नौवे स्थान में शुभ ग्रह और आठवें स्थान में कोई भी ग्रह ना हो, वरना कर्ज पर कर्ज चढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।